राजधानी दिल्ली में लूट और झपटमारी की वारदातों का बढ़ता आंकड़ा इस बात की तस्दीक करता है कि दिल्ली अब स्नैचिंग का कैपिटल बन चुकी है। इस साल 30 सितंबर तक झपटमारी की 4,762 वारदातें दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हुई हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसको सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की नींद उड़ गई। आखिर 700 पुलिसकर्मी और 200 सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ ही महज 24 घंटे में दिल्ली पुलिस ने झपटमारी की वारदात को सुलझाने में सफलता हासिल की और दो स्नेचरों को गिरफ्तार किया। स्नेचिंग की वारदात किसी और के साथ नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी दमयंती बेन के साथ हुई थी, इसलिए इस केस को फौरन सुलझाना दिल्ली पुलिस के लिए ज़रूरी था। बता दें कि शनिवार को सुबह पीएम नरेंद्र मोदी की भतीजी दमयंती बेन का पर्स बदमाशों ने छीन लिया था। उस पर्स में 56,000 रुपये और अहम कागजात थे। महज 24 घंटे के अंदर 700 पुलिस वालों ने 200 सीसीटीवी चेक करने के बाद दो आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में जुटी पुलिस सोनीपत पहुंची और वारदात का खुलासा किया, साथ ही बदमाशों के पास से लूटा गया सारा सामान भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक 21 साल का है जो सदर बाजार का रहने वाला है और वारदात को अंजाम देने के बाद वो सोनीपत जाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ छुप गया था। उसने स्नैचिंग में इस्तेमाल स्कूटी सुल्तानपुरी में अपनी मौसी के यहाँ छुपा दी थी। दूसरा आरोपी बादल है जो कि सुल्तानपुरी से पकड़ा गया है। मोदी की भतीजी दमयंती बेन के साथ हुई स्नैचिंग की वारदात तो पुलिस ने सुलझा ली है, लेकिन जिस तरह से 700 पुलिसकर्मी लगाकर महज 24 घंटे में केस को सुलझाया गया, जनता ने सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस से सवाल करने शुरू कर दिए कि उनके साथ हुआ स्नैचिंग का केस कब सुलझेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की भतीजी की बात थी तो दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले को तुरंत फुरत ही निपटा दिया, लेकिन बाकी स्नैचिंग की वारदातों को अब तक नहीं सुलझाया गया है और पुलिस द्वारा आरोपियों की धरपकड़ नहीं की गई है और कोई भी मामला सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये क्या राजनीतिक दबाव है जिसमें आकर दिल्ली पुलिस ने इस वारदात को निपटा दिया है और बाकी की वारदातों पर ध्यान नहीं दे रही है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.